नमस्कार, सुप्रभात। तो आज पुनः हम लोग प्राथमिक क्षमता के पूर्व क्लास में जो भी सीखे थे उसको एक बार रिपीट करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले था साधन, सूचनात्मक आदेश होता है, इसके बाद दक्ष की आज्ञा दी जाती है। तो जहाँ भी हम लोग खड़े होते हैं सूचना दी जाएगी, साधन दक्ष। दक्ष में बाई एड़ी दाहिनी पैर की एड़ी सकती है और मुठ्ठियाँ बंद होती हैं, जहाँ पे हम लोग पॉकेट होते हैं पैंट की, वहाँ पे हाथ सकती है। ये दक्ष की स्थिति है। तमाम दक्षिण भीतर, दक्षिण भीतर, दक्षिण भीतर, दक्षिण भीतर। इतना हम लोगों ने कल सुबह था, साथ में हमने उत्तिष्ठा और ऊपर इसे भी जान गए थे कि क्या होता है। तो आज हम लोग इससे फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग जैसे कल दक्षिण वृत्त किए थे, तो आज बाम वृत्त सीखेंगे, यानी बाई ओर मुड़ना, लेफ्ट टर्न। बाई ओर मुड़ने में भी बाएं पैर की एड़ी और दाएं पैर के पंजे भी मुड़ेंगे। बाम वृत्त, एक एक दो, बाम वृत्त, एक एक दो। तो अभी इसका एक अभ्यास करेंगे हम लोग। आरंभ में रहिए, सावधान, दक्ष, बाम, बचा, एक एक दो, बोलना है। एड़ी सटाइए, एड़ी सटा कर रखिए, पैर ज्यादा फैल गया है, वो 5-6 इंच से ज्यादा हो गया। बाम, बचा, एक एक दो, बाम, बचा, एक एक दो, बाम, बचा, एक एक दो। बहुत अच्छे। बामा वृत्ता के पश्चात हम लोग आज अर्धवृत्ता भी सीखेंगे। अर्धवृत्ता कैसे होता है, दक्ष की स्थिति में आने के बाद आपको आदेश मिलेगा अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्ता हमेशा दाहिनी तरफ से मुड़ना है, राइट हाथ आपका जिधर है उधर से पूरा पीछे मुड़ना है। तो जिस तरह से बाम वृत्ता और दक्षिण वृत्त हुआ था, उसी तरह से अर्धवृत्त में भी दाहिनी तरफ से हमेशा मुड़ना है, बाईं तरफ से कभी नहीं मुड़ी जाती है अर्धवृत्त। तो इसके में भी दाहिने पैर की एड़ी और बाएं पैर के पंजे पे पूरा हाफ टर्न करना है। अर्धवृत्त, एक एक दो, अर्धवृत्त, एक एक दो, ये अर्धवृत्त हुआ। आइए एक बार फिर से अभ्यास। साधन दक्ष, अर्ध वृत्त, एक एक दो। आराम से कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगता है, लंबा बोलना है, एक एक दो, अर्ध वृत्त, एक एक दो, अर्ध वृत्त, एक एक दो, अर्ध वृत्त, एक एक दो। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और दो आदेश, बमार्ध वृत्त और दक्षिणार्ध वृत्त। अर्थात बमार्ध मतलब आधा बाएं, दक्षिणार्ध मतलब आधा दाएं। तो जिस तरह से बाम वृत्त और दक्षिण वृत्त हम लोग किए, ठीक उसी तरह से बमार्ध वृत्त भी होगा। बाम वृत्त पूरा होता है, उसी का आधा बमार्ध वृत्त। देखिए कैसे होता है, दक्ष में आने के बाद आदेश होगा बमार्ध वृत्त। तो इसमें आधा मुड़ना है, स्थिति मुड़ने की, आदेश वही रहेगा बमार्ध वृत्त, एक एक दो, यानी तिरछा हो जाएंगे हम लोग से। बमार्ध वृत्त, एक एक दो, यानी ये पूरा आधा आधा करके एक बाम वृत्त होता है। दो बमार्ध वृत्त एक बाम वृत्त के बराबर। उसी तरह से दो दक्षिण वृत्त, दो दक्षिणार्ध वृत्त का एक दक्षिण वृत्त होता है। देखिए दक्षिणार्ध वृत्त, एक एक दो, दक्षिणार्ध वृत्त, एक एक दो, यानी दो दक्षिणार्ध वृत्त
एक बांग वृत्त के बराबर हो जाता है। तो आइए एक बार फिर से अभ्यास करें हम लोग। पहली बाई तरफ यानी बमार्थ, बमार्थ वृत्त, एक एक दो, हाथ नहीं हिलेगा, हाथ सड़ा के रखिए, पैर में सट गया फिर आगे से आपका पंजा, बमार्थ वृत्त, एक एक दो। अब यहीं से हम लोग दक्षिणार्ध वृत्त सीखते हैं। आ जाइए पूरे दक्षिण में आ जाइए, सामने आ जाइए, दक्षिण में आ जाइए। अब आइए दक्षिणार्ध वृत्त, ये बाम वृत्त था, दक्षिणार्ध वृत्त, दक्षिणार्ध वृत्त, एक एक दो, 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 अर्ध वृत्त, एक एक दो। अच्छा, तो ये था आज का दक्षिण बाम वृत्त, बमार्ध वृत्त, दक्षिण वृत्त, दक्षिणार्ध वृत्त, अर्धवृत्त। अब आइए सर, तो दक्ष में आने के बाद जैसे आपको यदि आदेश मिलता है एक पदा बाम सर, तो बाईं तरफ आपको एक कदम सरकना है, एक पदा बाम सर, एक दो, एक पदा दक्षिण सर, ठीक इसका विपरीत यानी दाईं तरफ भागना है, दक्षिण सर, एक दो। इसका अभ्यास एक बार, सर का बाएं दाएं का सावधान, अभी बाईं तरफ बढ़ना है कदम, जिसको हम लोग कहते हैं बाम सर, बाईं तरफ बाम सर, एक दो, दक्षिण सर, एक दो। लंबा कदम नहीं हो, एक सामान्य सा कदम हो उतना ही लेना है आपको। फिर से एक बार बाईं तरफ बाम सर, एक दो, दक्षिण सर, एक दो, रमन छ। अब आगे सर और पीछे सर यानी पूरा सर और प्रति सर सीखना है आपको। दक्ष मैने के बाद यदि आपको आदेश मिलता है तो पहले पूरा सर मतलब एक कदम आगे बढ़ना, जिसका आदेश मिलेगा आपको जितना कदम आगे बढ़ने का आदेश मिले उतना ही कदम बढ़ना है। तो जैसे आदेश होगा एक पद पूरा सर, एक कदम निकालना है, दो में मिलाना है दो। उसी तरह से प्रति सरा का मिले आदेश मिले तो इसमें भी एक कदम पीछे ले जाना है, दो मिलाना है, एक पद प्रति सर, एक दो, पूरा सर, एक बाएं पैर से शुरू करेंगे दाहिना पैर मिलाएंगे, प्रति सर में भी बाएं पैर पीछे ले जाएंगे, एक दो। एक पद आगे बढ़ना है, एक कदम आगे बढ़ना है बाएं पैर से पहले, और काउंटिंग करना है एक और दो में दाहिना पैर को टेरिस के साथ मिला देना है, एक पद पूरा सर, एक दो, प्रति सर में भी एक पदम पीछे जाना है, बाएं पैर को पहले ले जाना है और दाहिने पैर को मिला देना है, प्रति सरम, एक पद प्रति सर, एक दो, एक पद पूरा सर, आगे बढ़ना आदेश मिलने के बाद पूरा सर, एक दो, प्रति सर आदेश मिलने के बाद एक पद प्रति सर, एक दो, रम छ। आइए, तो अभी तक आपने दक्ष आरम पिश्च उपविश दक्षिण वृत्त बाम वृत्त बमार्ध वृत्त दक्षिणार्ध वृत्त बाम सर दक्षिण सर प्रति सर और पूरा सर सीखा और अर्धवृत्त। और अगला है सिर्फ
मीतः काल, दक्ष में आने के बाद आपको मीतः काल का आदेश मिलेगा, जिसको हिंदी में कदम ताल बोलते हैं। तो अभी आपको सिर्फ दो काउंट में करना है, मीतः काल एक दो। तो मीतः काल शब्द जो होगा वहीं से पैर उठना चाहिए, और एक बोलने पे पैर गिर जाना चाहिए, दो में पैर दूसरा पैर उठना चाहिए और गिर जाना चाहिए। मित कल एक दो, मित कल एक दो, इतना अभ्यास करेंगे। मित बाएं पैर से शुरू होगा, दाएं पैर पर खत्म होगा, दो काउंट में मित कल एक दो, यही पटकना है पूरे पैर को नहीं, मित कर एक दो। अब चार बार मित कर एक दो तीन चार, चार में दाहिना पैर मिलना चाहिए, मित कर एक दो तीन चार। अभी आप अपने से बोलेंगे, ठीक है, एक दो तीन चार, आदेश मिलेगा आपको मीता काल का, एक दो तीन चार बोल रहे, चार में जाना पर मिलना चाहिए, मिलता है नहीं अभी चेक होगा, मीता काल एक दो तीन चार, और थोड़ा गति से हो, आस्ते आस्ते हो रहा, पंजा पटकोगे पंजा, मीता काल एक दो तीन चार, मित कल एक दो तीन चार, मित कल एक दो तीन चार, रमो चार, रमो चार। इसके बाद जब पंक्ति सारा अभ्यास हो जाता है तो विकरा का आदेश होगा, मतलब पंक्ति तोड़कर आप रिलैक्स हो जाइए, तभी हम लोग अपना योग व्यायाम या कुछ भी करेंगे तो पंक्ति में दक्ष में आने के बाद जब कार्य समाप्ति हो जाएगा और आपका वापसी का आदेश दिया जाएगा तो उसका आदेश होगा, साधारण दक्ष में है ही हम लोग, विकिरण। तो हम लोग दाहिने तरफ मुड़कर दक्षिण मृत होकर अपनी लाइन को तोड़ के हट सकते हैं। तो ये था आज का हमारा प्राथमिक क्षमता का, जो छोटे स्तर पे थे बिल्कुल, जो प्रारंभिक शब्द हैं उसकी क्या व्याख्या और कैसे की जाती है इसकी जानकारी अपने विद्यालय अपनी संस्था के समस्त भैया बहनों को आनी चाहिए। एक बार इसका पुनः दो तीन दिन अभ्यास कीजिए, इस शब्द और करने की विधि दोनों आपको याद हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।